ए कॉयल विथ 250 टर्न्स ऑफ वायर इज रैप्ड ऑन ए फ्रेम विद ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड. ईच टर्न हैज़ द सेम एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द फ्रेम एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल इज 20 ओम. द कॉयल इज एक्स ओ वाई प्लेन एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस यूनिफॉर्मली विथ 0.00 टेस्ला टू 0.5 टेस्ला इन 0.05 सेकेंड्स, द एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन द कॉयल वाइल द फील्ड इज चेंजिंग इज. सो हियर वी हैव अ कॉयल लाइक दिस एंड वी नो दैट वी हैव हाउ मेनी 250 टर्न्स. सो वी नो दैट एन इज इक्वल टू 250 एंड देर इज अ रेजिस्टेंस विच इज आर इज इक्वल टू 20 ओम एंड दिस इज इन एक्स वाई प्लेन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्वियसली इन जेड डायरेक्शन. ओके एंड विच इज एक्चुअली चेंजिंग. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और आई शुड से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. करेक्ट. सो वी कैन वी नो दैट दैट आई इंड्यूस्ड विल बी इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई आर. राइट. एंड दैट वुड बी दी वैल्यू. सो वी कैन राइट ई विल बी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इन टू 1/r. करेक्ट. एंड वी नो दैट द डेल्टा फाई सो दिस विल बिकम आर इन टू डेल्टा टी. डेल्टा फाई विल बिकम फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल एंड वी नो द वैल्यू ऑफ फाई फाइनल विच विल बी एन इन टू बी टू इन टू ए माइनस एन इन टू बी टू बी वन इन टू ए. राइट. एंड ऑब्वियसली कॉस जीरो वॉज देयर. डिवाइड बाई आर इन टू डेल्टा टी. नाउ पुट द वैल्यूज. सो बिफोर पुटिंग लेट्स टेक दिस कॉमन. सो एन इन टू ए विल बी कॉमन. एन इन टू ए डिवाइडेड बाई आर डेल्टा टी इन टू बी टू माइनस बी वन इन टू वन. सो नाउ इफ यू पुट द वैल्यूज नाउ वॉट डू आई गेट. एन इज इक्वल टू 250 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज हाउ मच. सो 10 सेंटीमीटर. सो एरिया विल बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर सो विच विल बी 10 to the power -1 स्क्वायर विच विल बी 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर. साइड इज 10 सेंटीमीटर. सो 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर इन टू बी टू माइनस बी वन सो विच विल बी 0.5 - 0.0 डिवाइड बाई आर इज 20 एंड डेल्टा टी इज 0.05 विच आई कैन राइट 5 × 10 to the power -2. Now solve this thing. So for that purpose I just removed it. So what do I get? So this much ampere current will be there. So first of all this is 5, this will be 50, right? And this is cancelled out. This 10 to the power -2, 10 to the power -2 is cancelled out. So we get I will be equal to 5 into 0.5 divided by 2. Correct. This much ampere. So this will be 2.5 by 2 ampere. So that would be 1.25 amperes. So 1.25 ampere current will be there. So which option is the right option? So option number 2 is the right choice. Okay.